अब सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो आपको बता दूं कि इस फोन में आपको मिलता है 6.7 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिस पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन रहती है। सेंटर में आपको ये छोटा सा पंच होल मिल जाता है, आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है ये, और डिस्प्ले आप देख सकते हैं कि काफ़ी शानदार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बेजलस डिस्प्ले आपको दिखाई देगा, चिन भी एकदम ना के बराबर है, ज़रा सा चिन इसमें आपको मिलता है, तो ओवरऑल डिस्प्ले की लुक्स काफ़ी अच्छी है। अगर हम फोन की लुक्स की बात करें तो यहाँ पे आप बता दूँ कि पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन का बना हुआ है, और बैक पैनल पर भी पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाती है। हालांकि ये जो कलर है थोड़ा ब्लैकिश ब्लूइश शेड का आता है, तो देखने में काफ़ी अच्छा होता है, शाइनिंग है, लेकिन यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट कंपनी ने दिया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कंपनी एक इस बार एटलीस्ट ग्लास बैक पैनल वाला फ़ोन दे दे, थोड़ा सा अच्छा होता। तो यहाँ थोड़ी सी कमी पड़ गई कि कंपनी ने पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन दे दी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस प्राइस में आजकल सभी स्मार्टफोन ग्लास दे रहे हैं, लेकिन कंपनी ने पॉलीकार्बोनेट देना ही सही समझा। पर एनीवे, नेक्स्ट टाइम हम उम्मीद करेंगे कंपनी आपको ग्लास बैक पैनल मुहैया करवाए। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, 3.5 ऑडियो जैक दिया गया है, यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है, एक माइक है, इस तरफ आपको दिख जाएगा पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर की। पावर बटन में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। ऊपर आप देख सकते हैं एक माइक है। अब आप कहेंगे कि यार डिस्प्ले के अंदर क्यों नहीं है यार, ये तो ख़राब बात है। पर अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मैं खुद हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि यार डिस्प्ले में नहीं होना चाहिए, अच्छे से काम नहीं करता है, और कुछ लोग कहते हैं कि डिस्प्ले में होना चाहिए। तो आप अपनी राय मुझे खुल के बताएं कि आप डिस्प्ले के अंदर पावर बटन चाहते हैं या फिर फिज़िकल पावर बटन चाहते हैं, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि फिज़िकल होगा तो जल्दी फ़ोन अनलॉक होगा, डिस्प्ले के अंदर जो होता है थोड़ा सा हल्का सा स्लो होता है कंपेरेटिवली। और यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हैं कि आपको सिम ट्रे मिल जाती है, तो ओवरऑल लुक्स काफ़ी अच्छी है, बस एक कमी लगी कि बैक पैनल पर ग्लास नहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप बता दूँ कि इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट, और हमारे पास जो वेरिएंट आया है वो 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट। इसमें मेमोरी बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको इसमें मिल जाता है, तो सेकेंडरी सिम कार्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अब रही बात परफॉर्मेंस की, तो 730G चिपसेट है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इससे मिल जाएगी, बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। एंटीडू स्कोर एक बार देख लेते हैं, स्क्रीन पर मैं एंटीडू स्कोर लगा देता हूँ, तो आप एंटीडू स्कोर पर नजर लीजिए। तो परफॉर्मेंस सेक्शन में आपने एंटीडू स्कोर देख लिया, लेकिन बैटरी कैसी है वो जानना जरूरी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडस्ट्री फर्स्ट 7000mAh बैटरी इसमें आपको मिलती है, तो चलिए एक बार इसकी बैटरी का एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये फ़ोन अभी अभी मेरे पास आया है, तो मैं इसको फुल ड्रेन करके पूरा चार्ज तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको 10 मिनट का चार्जिंग टेस्ट दिखाता हूँ, देखते हैं कि 10 मिनट में कितनी चार्ज होती है इसकी बैटरी। तो अभी आप देख सकते हैं कि 57% बैटरी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1838 हो रखा है। 10 मिनट की चार्जिंग करूँगा और आपको बताऊँगा कि 10 मिनट में कितना चार्ज होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 10 मिनट की मैं इसलिए चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि फ़ोन अभी अभी मेरे पास आया है, इसलिए इसको ड्रेन करके फुल चार्ज करने का फिलहाल अभी टाइम नहीं है। ये क्विक ओवरव्यू है, इसलिए मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बहुत जल्द फुल चार्जिंग का सेटअप भी करूँगा मैं, वो आपको दिखाऊँगा, गेमिंग टेस्ट भी करूँगा, सब डिटेल में दिखाऊँगा, पर अभी क्विक ओवरव्यू देख रहे हैं कि 10 मिनट में कितना चार्ज होता है। तो 1838 पे चार्जिंग में लगाया था मैंने और 57% बैटरी थी, 1839 हो चुके हैं, 10 मिनट वेट करते हैं यानी 1848 तक वेट करते हैं और देखते हैं कि कितनी बैटरी चार्ज होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1848 हो चुके हैं, और यहाँ से चार्जिंग को निकाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितनी चार्ज हुई है। 65% बैटरी चार्ज हो गई है, 57 पे हमने स्टार्ट किया था और 65 हो गई, 10 मिनट में आप देख सकते हैं कि ये लगभग 8% चार्ज हो गई है बैटरी, 57 थी और अब 65 हो गई है, तो 10 मिनट में 8% बैटरी चार्ज है, तो मुझे लगता है कि चार्जिंग स्पीड लगभग 2 घंटे के आसपास होनी चाहिए। 100 मिनट में 100% तो नहीं होगी, 2 घंटे के आसपास लग जाएगा फुल चार्ज होने में, पर फुल चार्ज कितनी होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और इसका प्रॉपर एक फुल चार्ज टेस्ट करूंगा और वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। पर अभी के लिए आप देख सकते हैं कि 10 मिनट में 8% बैटरी चार्ज हुई है। तो आपने देखा कि 10 मिनट में 8% चार्ज हो चुकी है बैटरी। लेकिन अब कैमरा सेक्शन पर गौर करते हैं। कैमरा इस फोन में वही मिलता है जो आप सैमसंग गैलेक्सी M31S में देख चुके हैं, यानी 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ है, वहीं 32 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर इसमें आपको मिल जाता है। अब क्योंकि 730G चिपसेट है, M31S में दूसरा प्रोसेसर था, इसमें दूसरा प्रोसेसर है, तो कैमरा क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर जरूर होगा। ये कैसे जाने कि कैमरा किसका बेटर है, उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें M31S के साथ इसे कंपेयर करूंगा, पर अभी आप फिलहाल इसके कुछ कैमरा सैंपल्स को नजर डाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि कैमरा इसका काफ़ी बेहतरीन लगेगा आपको, डे लाइट हो लो लाइट हो हर सिचुएशन में अच्छी फोटोग्राफ क्लिक करने का आता है। जूम करेंगे तो 64 मेगापिक्सल कैमरा में डिटेलिंग भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है।
सकती है। मैक्रो शॉट भी काफ़ी इम्प्रेसिव है और डेप्थ सेंसर भी इसका जरूर पसंद आएगा आपको, क्योंकि पोर्ट्रेट जो है काफ़ी अच्छे से कटआउट और एज डिटेक्शन ये करता है। इसके साथ साथ फ्रंट कैमरा की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि 32 मेगापिक्सल शूटर है तो आपको डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी मिलेगी। कलर्स काफ़ी नेचुरल है और उभर के भी आ रहे हैं, इसलिए सेल्फी लवर्स के लिए भी फोन काफ़ी खास कहा जाएगा। अब कैमरास के बाद बारी आती है सॉफ्टवेयर की, तो आपको बता दूं कि फ़ोन में आपको हमेशा की तरह नहीं, मतलब अब ऑब्वियसली बात है कि एंड्रॉयड 10 मिलेगा, तो वही एंड्रॉयड 10 मिल रहा है आपको और यहाँ पे वन UI को वर्जन 2.1 दिया गया है। और वैसे भी आप जानते हैं कि सैमसंग का सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी हद तक ब्लोटवेयर फ्री हो गए हैं, कुल यही एप्लीकेशन इसके अंदर मिलती हैं आपको। एक दो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, स्नैपचैट, डेली हंट, कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दी गई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइम वीडियो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, बाकी ये सब सैमसंग की छोटी मोटी ऐप्स मिल जाएंगी, कुछ ज़्यादा ब्लोटवेयर नहीं है। और फीचर वाइज तो आपको पता ही, सैमसंग की एम सीरीज़ के कई सारे इंटरेस्टिंग फीचर आपको सैमसंग फ़ोन में मिल जाते हैं और वो सभी फीचर्स कंपनी ने इसमें भी मुहैया करवा के दिए हैं।